नमस्कार, रुको किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी आलू और घिवड़ा की सब्जी, नेनुआ, जिसको नेनुआ बोला जाता है। आइए बनाने चलते हैं। घिवड़ा को मैंने छिलकर काट लिया है, दो आलू काट लिया, प्याज और मसाला सब है, अदरक लहसुन और गरम मसाला ले लिया है। इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। कढ़ाई में तेल डाल लूँगी, ये गर्म हो चुका है तो इसमें जीरा डाल दिया। जीरा अच्छे तरीके से पक जाएगा तो हरा मिर्च डाल दूंगी। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। दोनों को थोड़ा चला देंगे, प्याज को अच्छी तरह से तरीके से भून लेंगे। अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इसमें मैं आलू डाल दूंगी, आलू भी अच्छे से भून लेंगे। दोनों अच्छे से भुना जाएगा तब लाल करके इसको फ्राई करेंगे। अब ये मेरा थोड़ी देर में बना के तैयार हो गया है। इसमें मैं नमक रख दूँगी स्वाद अनुसार, के चला देंगे। अब मैं इसमें देखिए कितना अच्छा से बना गया हुआ है। अब इसमें मैं मसाला डालूंगी, अदरक लहसुन और गरम मसाला के पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है वो डाल दूंगी। हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और जीरा पाउडर, ये सब मैंने इसमें डाल दूंगी। सारे में डाल के अच्छे से मिला दूंगी, लाल करके इसको भून लूंगी अच्छे से, ताकि नेनुआ डालने से पहले इसको मैं भून लूंगी। देखिए मेरा अच्छे तरीके से भुना चुका है। अब मैं इसमें नेनुआ डाल दूंगी। नेनुआ डाल दिया, इसको अच्छे से मिला देंगे। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, लाजवाब लगती है। अब इसको मैं ढक दूंगी। ढकने के थोड़ा देर बाद मैं इसको उभार के, देखिए ये गल गया है नेनुआ अच्छे से, थोड़ी देर और गलाएंगे इसको। ये भी बनी नहीं है, थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी लगती है और टेस्टी भी लगती है। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए मेरा बन के तैयार हो जाएगा। आप फ्राई रखना है तो ऐसे ही रखें, नहीं तो उसको ग्रेवी वाला बनाना है तो उसमें हल्का पानी डाल दें। हल्का पानी डाल दिया मैंने क्योंकि ग्रेवी के साथ हमको बनाना है, चावल के साथ खाना है। इसको चावल के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए इसको खदकने देंगे। अब ये तैयार हो चुका है। अब इसमें धनिया पत्ता इस ऊपर से रख देंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में और खाने में भी मज़ेदार लगती है। अगर अच्छा लगे तो ये एक बार ट्राई करके देखें और बना के भी